हाय गाइस, वेलकम बैक टू गाइस। टुडे वी विल स्टार्ट द सिंपल टेंसेस। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। सो गाइस, इन द प्रीवियस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ टेंसेस, हाउ व्हाट इज टेंस, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस एंड द ईच एंड द पार्ट्स ऑफ टेंसेस आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइप्स। मतलब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और ये कितने पार्ट में डिवाइड है। अब हमने उसी का आज इस वीडियो में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और एक दो एग्जाम्पल सुनेंगे। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल लुक सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो गाइस, ऑल सिंपल टेंसेस वी विल लर्न इन द प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सिंपल प्रेजेंट टेंस, the important point of simple present tense, an action that occurs on regular basis. Or the second example, second sentence is the fact that stands true all time. What stands true all time? So guys, इसका अगर हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली, मतलब मैं फुटबॉल रेगुलरली खेलता हूँ, मतलब मैं लगातार फुटबॉल खेलता हूँ, ये काम मैं लगातार कर रहा हूँ, पीछे करता आया हूँ, अभी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। लेट सी एन अदर एग्जांपल दैट इज सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज इन द ईस्ट मतलब सन राइज इन द ईस्ट। इसमें हम लोग ने कौन सी फॉर्म लगाई वर्ब के साथ, एस या ई एस वाली फॉर्म। देन हम लोग टाइम लाइन की बात करें तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो गाइस, इसमें पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नोट, मतलब अभी जो इम्पोर्टेंट नोट है, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन द केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म्स वी एस वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाएगा फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, आई राम प्लेस, अगर हम लोग थर्ड पर्सन कौन है, राम, राम प्लेस फुटबॉल रेगुलरली। सो गाइस, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस के। एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर नाउ, मतलब ऐसा कोई काम जो अभी से पहले कंप्लीट हो चुका हो। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल की बात करें तो आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैं कल फुटबॉल खेल रहा था, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। ओके गाइस, आई प्ले अ फुटबॉल यस्टरडे, मैं कल फुटबॉल खेल रहा था, जैसे कि आप लोग फिल्म में देख पा रहे हैं, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। देन अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हम लोग अगर इसकी बात करें, एन एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर, मतलब ऐसा कोई काम जो हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा। आई होप गाइस आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। बाय गाइस, टेक